viewers, this is Smiley from Show Me Recipes. आज हम बनाने वाले हैं मेथी बोंबिल रेसिपी। इसके लिए हम लेने वाले हैं यह छोटी मेथी, जिसे हम समुद्र मेथी भी कहते हैं। इसे हमें ये एंड पार्ट को कट करना है इस इतना, और यहाँ से यहाँ तक हमें इसे फाइन चॉप करके पानी में सोक करके रखना है एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। हमने यहाँ पे बोंबिल को, सूखा बोंबिल, इसे अच्छी तरह से साफ किया हुआ है और बाद में पानी में सोक करके रखा हुआ है। इसे हमें मीडियम काटना है इस तरह। आलू को लेना है, पील करके फाइन चॉप करना है, इसे भी हमने पानी में रखा हुआ है। टमाटर फाइन चॉप, हल्दी, कांदा जो हमने स्लाइस किया हुआ है, मिर्ची चॉप की हुई, नमक स्वाद अनुसार और तेल। लेट्स स्टार्ट। हमने यहाँ पे पैन में तेल गरम करने रखा हुआ है। जब तेल गरम हो जाए तब हम डालते हैं प्याज। अब प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। यहाँ पे प्याज गुलाबी रंग के हो चुके हैं। अब हम डालते हैं बोंबिल जो हमने वॉश करके 15 मिनट्स पानी में सोक करके रखा हुआ था। इसे अच्छी तरह से स्टर कीजिए जब तक बोंबिल का रॉ स्मेल या कच्चापन निकल जाए। फास्ट गैस पे इसे स्टर फ्राई कीजिए। अब हम इस स्टेज पे डालते हैं आलू। आलू को डाल के अच्छी तरह से स्टर कीजिए और आलू पकने तक वेट कीजिए। इसे इस तरह कवर करके कुक कीजिए। आइए हम देखते हैं आलू पक गया क्या। ऑलमोस्ट 80% आलू पक चुके हैं। अभी हम डालते हैं हरी मिर्च और टमाटर। इसे अच्छी तरह से स्टर कीजिए। हल्दी, हल्दी डालने के बाद हम डालते हैं मेथी जो हमने वॉश करके आधे घंटे के लिए पानी में भिगा के रखा हुआ था, और नमक स्वाद अनुसार। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। इस तरह से इसे मिक्स कीजिए और स्लो गैस पे सिमर करके कवर करके इसे पकाइए। आइए हम चेक करते हैं। यस, तो मेथी बोंबिल रेसिपी इज रेडी टू सर्व। आप जब इसे सिमर करने रखते हो तो बीच बीच में चेक कीजिए, स्टर कीजिए। सो लेट्स सर्व। फ्रेंड्स, कैसे लगी ये रेसिपी? आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करने के लिए भूलना नहीं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए देखते रहना शो मी रेसिपी। बाय।